हेलो, हेलो। एफएम विविध भारती वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक हमारे साथ जी इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं। उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की वरिष्ठ गायिका सुचरिता गुप्ता जी। सुचरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार वंदन जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, आप जैसे वरिष्ठ कलाकारों ने जो संगीत की थाती है, जो उपशास्त्रीय संगीत है या जो लोक संगीत है, उसको संभालने का बहुत बड़ा दायित्व तो निभाया है और पूरा जीवन उसी को समर्पित करते हुए लगातार इसके प्रचार प्रसार में, संरक्षण में आप लगी जी हुई हैं। जी और जी आपको इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने भी आपको पिछले दिनों सम्मानित किया है, तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और काशी के श्रोता ही नहीं, और भी देश के विभिन्न स्थानों के श्रोता आपके संगीत का आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश की बूंदें टिप टिप करती बरसात, और गांवों में यदि हम खास कर बात करें तो गांवों में फैली हुई वो हरियाली जो आंखों को सुकून देने वाली होती है, साथ ही पेड़ों की टहनियों पर पड़े झूले और उस पर झूला झूलती सखियां, क्या बात साथ में जी गुनगुनाती कजरी के बोल आनंददायक जी होते हैं। आज हम बहुत आपसे बनारस की जो एक खास पहचान है कजरी, और जो खासकर सावन में बारिश के मौसम में गाई जाती है, उसके बारे में कुछ जी अपने श्रोताओं को जानकारी आपके माध्यम से देना चाहते हैं। क्या है अच्छा अच्छा कजरी, सावन में किस तरह से इसका गायन होता है, हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। देखिए, कजरी के नाम से जैसे मन एकदम जैसे प्रफुल्लित हो जाती है ना, कजरी जी नाम सुन के, जी क्योंकि वो उसमें बरसात जो है, बारिश के मौसम और बूंदे और उसके जो हरियाली है एकदम आपके सामने। जैसे अगर बंद कमरे में भी अगर कजरी के नाम लेंगे और तभी भी लगता है कि चल तो बारिश हो रही है और जी हरियाली छाई हुई है। जी जी तो कजरी का जो नामकरण है वो सावन माह में जो गिरने वाले जो काले बादल होता है ना, जी जी उसकी काली माँ के जी कारण हुआ है। और उत्तर प्रदेश में तो बनारस, मिर्जापुर और अवध जैसे स्थानों पर तो सावन की गीतों का अलग अलग अंदाज है, जी 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 अलग उनको गाने का तरीका है और अलग गाते हैं। जी और कहा जाता है कि मिर्जापुर में जहांगीर खलीफा जी थे, तो जी जी वो सैकड़ों साल पहले कजरी गायन का परंपरा जो है आरंभ किया। और कजरी गायन के जो आपने नियम और विशिष्ट परंपरा जो है जी वो अलग, उसका अलग है, उसका धुने अलग है, अलग परंपरा भी अलग है। जी जी और कुछ टेक होता है कजरी के निश्चित, कुछ जी जैसे रामा है, ए हरी है, बलमू है, सावर जी गोरिया है, ललना है। तो वाह वाह मूल जो है कजरी का जो जो वर्णविष है जी वो प्रेम है, श्रृंगारिक है। जी श्रृंगार जी इसके जी अंतर्गत जैसे श्रृंगार की उभय पक्ष है, दोनों पक्ष है, जी जैसे संयोग भी है और वियोग भी है, दोनों हाँ का झांकियां मिलती रहती है। जी जी जैसे जी संयोग में तो ठीक है, पिया पास में है, संयोग है, जी और पिया अगर परदेश है तभी भी श्रृंगार तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, विरह की वेदना, विरह की पीड़ा का भी उसमें हाँ वर्णन मिलता हाँ है। ये, और राधा कृष्ण को जोड़ के तो बहुत सारी कजरिया गाई जाती है। और जी सावन में कृष्ण जी चले गए तो राधा जी का विरह, और एक हम आपको सुनाएंगे कि कृष्ण जी का भी विरह है। अच्छा, वाह हाँ कृष्ण जी का भी विरह है, मैं जी, सुनाऊंगी बाद में। जरूर जरूर तो हमारे यहाँ बनारस में, जैसे यहाँ की तो रहने वाली नहीं थी मैं, लेकिन मैं 32-33 साल हो गए मेरी शादी की, जी मायके से ज्यादा ही समय मैं ससुराल में बिता रही हूँ। तो अब मैं बनारस की हो गई हूँ, जी क्योंकि जी बनारस छोड़ के मैं कहीं और जा नहीं सकती। और इतना प्यार हो गया बनारस से, और जी खजाना है, जी रोज जी नए कुछ सीखने, रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। जी जैसे कहते हैं ना कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है बिल्कुल बनारस के लिए, और वैसे ही कंकड़ कंकड़ में जैसे गली मोहल्ले में आर्टिस्ट है, जी कलाकार है, जी जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी तो ये जो कजरी के समय है, सबसे पहले यहाँ पर पचड़ा गाई जाती है देवी जी का। आपने निबिया की डाली सुना ही होगा, जी जी बिल्कुल निबिया की डारी मैया झूले झूलना वाती झूली झूली ना, है ना। वाह तो वाह इसी जिसको पचड़ा कहते हैं ना, जी जी रसे पौवा धरो मोरे देवी गोड़े घुंघरवा बाजे ना। तो देवी गीत जी से शुरू होता है। और देखिए बनारस और मिर्जापुर ज्यादा धूम नहीं, जी तो मिर्जापुर में अगर कजरी है, अगर कजरी के बहुत पहले शुरुआत हुई थी, जी तो
संरक्षण बनारस ने दिया। बनारस में भी कजरी का बहुत सारे कजरी गायन, जैसे मोती झील वाले कजरी है, जैसे साइकिल से ना पॉपुलर गाना हुआ जी, जी, जी। तो कजरी का जैसे अब ननक भौजी का भी कजरी सुनने को मिलता है जी। हाँ, और सवाल जवाब का कजरी, तो ये कजरी का बहुत सारे प्रकार है जी। और इस समय कजरी का जो कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि ना कजरी की धुन में जो समसामयिक, जिससे समय की जो कोई भी परिस्थितियां होती है जी, जैसे आजकल कोरोना का वो आया, इसके ऊपर भी कजरी के धुन में गाना गाया जाता है वो बिरहा के उसमें। और कजरी का एक खुला हमने देखा है कि एक वो है कि आप इसी धुन में आप गाइए, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी सामाजिक कोई भी, उसमें कजरी गायन होती है जी। तो कजरी के बारे में हम खाली ये बताने जा रहे हैं कि ज्यादातर हमारा तो भारतवर्ष जो है वो कृषि प्रधान देश है, और आकाश में जब बादल छाए होते हैं तो चारों तरफ दादूर है, मोर है, पपिया बोल रहे हैं, और इस समय किसान का जो इतना मेहनत किया है वो दो महीना जो है वो बरसात से जो पानी है उससे उनकी जो फसल लहराते हैं और फसल होते हैं वो खुशी का आनंद लेते हैं। बिल्कुल। और खुशी का आनंद लेते हैं तो घर के आंगन में बैठ के महिलाएं भी गाती रहती है, और गांव की जो महिलाएं हैं वो लोग बरसात के बूंदों में पायल, जैसे बरसात के बूंद गिर रहे हैं और उनका पायल भी चंचल चंचल की आवाज आ रही। वाह वाह। तो ऐसे ही सावन झड़ी लागे ला धीरे धीरे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे ला धीरे धीरे। वाह। तो बादल गरज रामा बिजुरी चमके, बादल गरज रामा बिजुरी चमके, चुनर मोरा भीगे ला धीरे धीरे, इसे प्यार से गोरी बोलती है जी। चुनर मोरा भीगे ला धीरे धीरे, सावन कर लागे ला धीरे धीरे। भाई साहब ये भी कहा जाता है कि ना वो मिर्जापुर में कजला दे दी जी जी उनके नाम से, इसीलिए मेरे ख्याल से इसी के लिए जैसे कजरी दुर्गा कब देबू दर्शनवा, अब तड़ल सवन वाला दुर्गा। तो कजला देवी से भी कजरी का नामकरण हुआ है, ऐसे तो काले मेघ है और जी, बादल है जी, वो जी, तो है ही है। हुँ. और उस देवी के लिए मेरे ख्याल से जो देवी गीत गाई जाती है, जो मेरे विचार है, हम किसी का लिखा पढ़ा नहीं है, जी, मेरे जी. विचार से ये जो हम लोग देवी गीत से शुरू करते हैं कि देवी को प्रसन्न करके जी. और ये हम लोग कजरी गाए जी, तो जी. ये इसके पीछे ये कारण हमको लगता है जी, जी, और जैसे ऐसा गीत करती है कि हम भाई कजरी के समय है जाके आप मेहंदी ले आइए, और कहाँ से ले आइए, मोती झील से, हाँ, जो हाँ, आपके हाँ. आकाशवाणी के बगल में मोती झील है जी, जी, जी. और ऐसे नहीं चाहिए साइकिल से जाइए, मतलब कब से वो साइकिल से अपने पति को भेज रहे हैं जी 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 जाइए और मोती झील से साइकिल से जाके वो मेहंदी ले आइए, पिया मेहंदी ले आएगा छोटी किना ने जिसे पिसाएगा, हमारे हाथ वाला गायदा काटा कील से, जाइके साइकिल से ना हो पिया मेहंदी ले आएगा मोती झील से, जाइके साइकिल से ना। अच्छा ननद और भाभी का बड़ा अच्छा रिलेशन है। हाँ, छेड़छाड़ होती रहती है, मीठी तकरार मीठी छेड़छाड़। हाँ, कुछ कजरी गीतों में जब कजरी खेलने का भी वर्णन दिखाई पड़ती है जी। तो संभवतः तो कजरी जो सावन भादो में जो महीने में जो वृक्ष में जो झूला लग जाता जी, है जी, जी। और झूला झूलते हुए जो वर्षा का आनंद लेते हैं जी। और इसमें जैसे अकेले में मजा नहीं आता है, तो कजरी गीतों में जो ननद और भावज का जो संबंध है, जो मधुरता का जो चित्रण किया है जी, वो बहुत ही मधुर है। और ये बोलती है कि भाई चलिए कजरी खेलने जाएंगे, मतलब झूला झूलने, अभी झूला तो भाई घर पे तो नहीं लगता है, भाई बगीचे वगैरह में लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ननद तैयार हो जाती है जी। तो भाभी बोलती है अरे कैसे खेले जाइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, बदरिया घेरी आई ननदी, बदरिया घेरी आई ननदी, कैसे खेले जाइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। अब ननदी क्या बोलती है,
जी जय बे जय बे हम हूँ अब के खेले जय बे, सावन में कजरिया बदरिया केरी आई भावजी। हाँ हाँ तो वो बोलती है जो तू तो जाते हो अकेली जी और केहू संगे ना सहेली, शैला रोक ली है तोहरे डगरिया बदरिया, अगर मैं डरती है भाई अकेले चली जा रही हो हाँ तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप घबराइए मत, जी जी अगर कोई चढ़ेगा तो छेला डा मिल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खा के मरी है सभी किसे है भौजी, जेहर में चकरिया बदरिया तेरी आई भौजी। बोले डरिए नहीं, अब वो जमाना नहीं है, एक्चुअली शुरू में भी कभी भी जैसे कोई जाते थे कजरी खेलने में कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, जी जी खेलने जाते थे कजरी झूला झूलने जाते थे, तो ये ननद भौजी का बहुत ही सुंदर एक कजरी सुनने को मिलता है। एक चीज मैं और बताना जरूर चाह रही हूँ कि जैसे ना वीरन वीर जी बोलते हैं ना, जी जी तो जी वीर जी पंजाब में बोलते हैं वीर जी बड़े भाई को, जी जी और यहाँ पर भी वीरन भैया मतलब जी बड़े भाई। तो लड़की जो है ससुराल में ऐसे तो होता है कि सावन में लड़की विदा करके मायके ले आते हैं और मायके में वो रहती है जी जी और सावन बीतने के बाद ही वो घर जाती है ससुराल जाती है, तो भाई आता है सावन में विदा करा के ससुराल आते हैं। और ये गीत जो है हम स्पेशली श्रोताओं को बताना चाहते हैं जी कि ये गीत को अमर किया है हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब जी ने। जहाँ जहाँ मैंने सुना उनको, मैं बॉम्बे भी गई थी तो प्रोग्राम के सिलसिले में तो उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने इसी से ही शुरू किया, उसके बाद राग बजाया। वाह बोले बनारस से आया हूँ और बनारस से किस से मैं शुरू करूँ, जी तो जी ऐसे भी जी जयपुर में भी और इधर अंबिकापुर, वहां जहाँ जहाँ मैंने उनके प्रोग्राम में सुनने गई जी और वहां मैं रही, तो ये गीत मैंने सुना है कि उनको पहाड़ी में है। जी 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 बीरन भैया आइले आना भैया वा सावन वा में ना जाई बिना नदी, बीरन भैया आइले आना भैया वा सावन वा में ना जाई बिना नदी, ना जाई बिना नदी हो ना जाई बिना नदी, सावन वा में ना जाई बिना नदी, बिरन भैया आई रे आना भैया वा सावन वा में ना जाई बिना नदी, सोनवा के थारी में जेवना परस ओ, सोनवा के थारी में कि सोने की थारी में जी और नाश्ता लगाया है, चाहे भैया जेवे चाहे जाए हो सावन वा में ना जाई बिना नदी। अब ननद को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी जी जी तो सोने की थाली में भी नाश्ता लगा दिया, आप भैया खाए चाहे ना खाए गुस्से में, जी जी लेकिन जी मैं नहीं जाऊंगी अपने ननद को छोड़ के। जी तो जी जी ये बहुत ही अच्छा बहुत ही मधुर जी कजरी है जी जी और जी बिस्मिल्ला खान साहब को मैं बहुत ही याद कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुचरिता जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, ये हाँ कजरी के जी कुछ प्रकार भी होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे हाँ, में भी हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। कजरी के देखिए ना, कजरी में ये एक तो झूला होता है, एक सवाल जवाब का कजरी हमने बताया, एक जी धुनमुनिया कजरी। जी जी तो जी धुनमुनिया कजरी क्या होता है, हाथ पकड़ के महिलाएं गाती है धुनमुनिया कजरी, जी पहले जमाने में ऐसे ही होता था, झुन 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 खोला के बढ़िया हमने हर वाजे बेना, हमने हर वाजे बेना ओ सैया नहीं हर वाजी बेना, ओ सैया नहीं हर वाजी बेना, ऐसे धुन होता है ढुनमुनिया जो, झूम जी झूम जी के देखिए गाने का, ना 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 ना, झुन 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 खोला हो के बढ़िया हाँ हम नहीं हर वाजी बेना, जी देखिए झूम झूम के झूम झूम के, इसका धुन भी झूम झूम के होता है। जी 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 तो जी और सवाल जवाब, कहाँ बाटे अबेरा कारी बदरिया, कहाँ बाटे अबेरा माँ कारी बदरिया, पढ़े ले धीरे धीरे बुनिया हो गुइया, कहाँ बाटे आवे हरी हरिया, पढ़े ले धीरे धीरे बुनिया। आहा क्वेश्चन पूछते हैं, अब आंसर इसका जवाब है, जी पूर्व से आवे रामा कारी बदरिया, पूर्व से आवे रामा कारी बदरिया, पढ़े ले धीरे
घीरे बुनिया हो गुइया, हो गुइया पश्चिम से आवे हरी हरिया पड़े ले चिरचिर बुनिया। देखिए सवाल जवाब का कजरी है, तो जी जी इस तरह से बहुत सारे कजरी, झूला है कजरी है, इस तरह सवाल जवाब का कजरी है, और हाँ इस तरह से झूला भी है बहुत सारे। अच्छा, तो बनारसी कजरी जी और मिर्जापुरी कजरी, उसमें भी फर्क है क्या? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा जी जी सा। देखिए हमने कहा था ना कि मिर्जापुर और बनारस इतना दूर नहीं है, जी जी लेकिन फिर भी मिर्जापुरी कजरी में देखिए लास्ट में ना लगता है। जी जैसे मिर्जापुर कैला गुल जाए हो काचोड़ी गली सुन कैल बलमू, हमने बलमू का वो है। जी और जी जैसे दुर्गा कब देबू दर्शनवा अब तक चढ़ल ना, सवनवाना, वाह वाह वाह, हाँ और रिम झिम बरसे कारी बदरिया भीजे चटकी चुनरिया ना। आहा, हाँ तो ना वाला जो है ज्यादातर जी बोलते हैं कि जी मिर्जापुर का ही है, जी 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 और बनारस का जो कजरी है तो जी एक थोड़ा सा सुनाती हूँ। बिल्कुल रिम झिम बरसे बदरिया रखिया गावेली कजरिया हो मोरी भीजे चुनरिया बचायला बालू मोरे भीजल चुनरिया बचायला बालू वाह लुगवा सुख के सपना देखे ऐसनी बरसात रे खेत खेत में जानी कितना आगम रोपल जाते रे भर ले तलवा तलैया तीरे नदिया में नैया अंग नैया में झिझिरी खेलाए दा बालमू तनी नैया की नरवा लगाए दा बालमू रिम झिम बरसे ले बदरिया तकिया गावे ले वाह तजरिया। वाह वाह धन्यवाद। और मैं अब आती हूँ झूला में, जी एक चीज और बता देती हूँ कि रजगा जो होता है जी 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 कजरी, कजली कजली रजगा होता तीज, है जी जी कजली तीज मनाई कजरी जाती चीज, है। हाँ जी, जी। और और कहा जाता उस है कि समय माँ विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव भी होता है उस समय, हाँ उस दिन मनाया जाता है, और वहां पर विंध्याचल में रात भर कजरी गायन होती है जलेबा खाने और की उस परंपरा। जेलेबा, हाँ अब ये इसी में आ रही हूँ, जी जेलेबा और दाना खा। देखिए हमारे जितना त्योहार है जी वो आम लोगों के लिए है, बड़े जो धनी धनाढ्य लोग हैं जी जी वो लोग तो वो बहुत पैसा खर्चा करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिठाइयाँ भी खरीद सकते हैं, जी लेकिन जो हम आम लोग हैं, आम लोग एक जलेबा अगर खरीद लेंगे तो 5-7 औरतें मिलके उसको मुंह मीठा तो कर ही सकते हैं, अपना बिल्कुल त्योहार जी मना ले सकते जी हैं, जी और दाना जो है दाना थोड़ा सा ले आएंगे तो सारे लोग मिलके अपना त्योहार मन जाता है। बिल्कुल तो इसके पीछे जो है दाना और जलेबा, जी जलेबा भी बहुत बड़ा बनता है आपने देखा होगा, एक एक टुकड़ा भी अगर सब लोग ले लिए हमारा त्योहार बन गया, सारे बिल्कुल लोग मिलके हमारे आम लोग जो त्योहार को हम लोग मना सकते हैं, इसी के पीछे यही कारण मुझे समझ में आता है। जी 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 तो मैं एक झूला बनारसी झूला, एक मिर्जापुरी झूला जी और एक अवध के झूला, अवध में जो कजरी होती है तो जी अवध के कजरी में रे हरी लगता है, जी जैसे अरे रामा बेला फूले अधीरा चमेली बिनु सहरा आहा, रे हरी वाह हरी जो लगता है ना जी वो जी अवध का कजरी हम लोग मानते हैं, जी और जी ना जो लगता है वो मिर्जापुरी मिर्जापुर। कजरी, और बाकी जो कजरी आप सुनते हैं वो बनारस की कजरी है। तो एक झूला मैं सुनाती हूँ मिर्जापुर का झूला, स्वागत। झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना, झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना हो सखिया पारी पारी ना हो सखिया पारी पारी ना हो, झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना। ये हो गया आपका मिर्जापुर का झूला, जी जी और बनारस का झूला, झूला झूले बनवारी रे सवरिया ओ झूला झूले बनवारी रे सवरिया, झूले मदन गोपाल
ओके परमा निहार संग झूले राधा, ओ संग झूले राधा प्यारी यारे सवरिया। वाह ये बनारस का झूला। और पिया संग झूले बगिया में राम ललना, ये भी बनारस की झूला, इधर के झूला जी झूला। हाँ और एक आवत का झूला, जी झूला झूले रानी राधिका जी, ए जी कोई संग में, हाजी कोई संग में, कृष्ण मुरार झूला डाला, कदम की डाल पे जी, चंदन पटरी रेशम डोर लगी जी, ए जी कोई झोंका, हाजी कोई झोंका दे, सखिया हजार झूला डाला, कदम की डाल पे जी। वाह 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 ये आवाज का झूला। जी और भैया एक चीज और बताना चाहती हूँ बिल्कुल कि बहुत पहले बच्चों की जैसे कम उम्र में शादी हो जाती थी, जी जी और शादी होने के बाद फिर जब उसको तो समझ में नहीं आता था, तो वो उसको जैसे मायके आती थी जी जी सावन में, एक सावन का विदाई जी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर। कि ये देखिए ये भी पिक्चर में इसका धुन लिया गया है, हम्म। लेकिन मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। जी निबिया तले डोला रख दे मुसाफिर, आई गई सावन की बहार रे, बिबिया तले डोला रख दे मुसाफिर, के अपने बाबुल घर, के अपने बाबुल घर, गुड़िया अपने बाबुल घर, गुड़िया खेलत रही, गुड़िया खेलत भाई साझ रे, तेरी सखी गुड़िया खेलहु ना पायो, आई गईल दौलिया पहाड़ रे, तेरी सखी गुड़िया खेलहु ना पायो, आई गईल सैया के पहाड़ रे, निभिया तले दूला रख दे मुसाफिर। वाह वाह। देखिए ये सावन की विदाई की गाना है, जी। देखिए कितना तकलीफ की बात है कि जब बचपन में शादी हो जाती है, बिल्कुल छोटी उम्र बिल्कुल। में शादी हो जाती है, तो यही बात है। सुचरिता जी, एक आपने शुरुआत में कहा था कि कृष्ण के विरह की भी एक कजरी है, वो मैं जरूर श्रोताओं को हाँ सुनाना चाहूंगी, तो हम लोग विदा लें इससे पहले जरूर उसको आप सुनाइए। हाँ विरह, देखिए राधा का विरह का तो सुना बहुत बहुत गीत है, जी जी लेकिन जी कृष्ण विरह का, हाँ कृष्ण हाँ विरह का गीत जो जी है, तो जी जी मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। घिरी आई है कारी बदरिया, घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे नाम मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे नाम मोरा जिया, वाह छिन जमुना तट छिन कुंजन में, बिरहा व्यथा से दहत है मनवा, राधे बिन लागे नाम मोरा जिया। आप कृष्ण जी कहते हैं बदरा बरसे नैना बरसे, वाह बदरा बरसे नैना बरसे,
घन और श्याम से, घन मतलब बादल जी, और श्याम तो घन और श्याम से लागी है होड़वा। अरे कौन ज्यादा बरस रहा है, कि घन बरस रहा है कि श्याम की आग बरस रही है? बरस रही है घन जी। और श्याम से लागी है होड़वा, राधे बिन लागे ना मोरागिया। अब अंत में कहती है कि जब लो राधे माने ना तोड़ी है, जब लो राधे माने ना तोड़ी है, बंसी धरी हो ना कबहु अधरवा, बंसी धरी हो ना कबहु अधरवा, राधे बिन लागे ना मोरागिया। ये देखिए मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बार हम हमारे एक संस्था है जी, जो बनारस के जितने महिलाएं हैं, जी, महिलाओं जी, का एक संस्था है, करीब 50 महिलाएं हैं, मैं सिखाती हूँ, आज से 12 साल हो गया है। जी, 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 तो उन लोगों को लेके मैं कभी कभी अच्छे मतलब इतने बड़े बड़े कलाकारों के पास ले जाती थी। तो एक बार देवश्री विजया देवी जी के वा, यहाँ वा, वा, वा। मैं लेके गई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो घर में आई हो सुचरिता, खाली हाथ तो मत नहीं जाओ, कुछ लेके जाओ। तो देखिए बड़े कलाकार के पास हमें खाने पीने के तो नहीं जाते, लेकिन उन्होंने ये गाना जो है जी 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 हमें प्रसाद के स्वरूप दिया। वाह वाह तो वाह, क्या बात है। और सारे हमारे जितने लोग महिलाएं थी, सारे लोग मिलके हम लोगों ने ये गाया, जी उन्होंने जी सिखाया, जी तो ये जी प्रसाद उनसे उनकी तरफ से मिला वाह, मुझे। क्या बात है। और कितना सुंदर चित्रण इस गीत में किया गया है, जी कृष्ण के जी विरह जी का, जी क्या बात है। कृष्ण विरह का बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा हाँ लगा हाँ सुचरिता जी आपसे बातें हाँ करके। और ये कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना जी जी काल बिल्कुल में जहाँ एक ओर तनाव है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं वो हमें कहीं ना जी कहीं सुकून देती हैं, तनाव कम करने में मदद हाँ करती हैं। हमारे श्रोताओं को सही क्या बात। कहना चाहेंगी आप चलते चलते? मैं श्रोताओं को यही कहना चाहती हूँ कि ये कोरोना काल आया है, इससे घबराइए नहीं। जी और ये आता है कभी कभी, इस तरह से चीजें आती है, उसको हम लोग सब लोग मिलके इसको सामना करें, जी और पॉजिटिव थिंकिंग, हम लोग सकारात्मक सोच रखें अपना। जी और संगीत तो हर चीज भुला देता है, वहाँ बहुत दुख बहुत सारी चीजें भुला देती है। जी और आप संगीत को भी सुनते रहिए, अभ्यास करते रहिए, गाते रहिए, और इस चीज को भी हम लोग पार पा लेंगे। बिल्कुल और इसको हम लोग घबराना नहीं चाहिए, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। जी और हाँ, और जो सरकार ने कहा है जी, जो जिस तरह से सावधानी बरतने के लिए, वो उसको सावधानी बरतिए, और खूब अच्छा सोचिए, जो बिल्कुल अच्छा सोचेगी जो अच्छा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं यही यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आपने मुझे मौका दिया कि श्रोताओं को मैं कुछ बताऊं बिल्कुल। सुनाऊं। तो श्रोताओं, हमारे साथ ही उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की एक विशिष्ट कलाकार सुचरिता गुप्ता जी, विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से हम आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।